होली का त्यौहार हमारे भारत देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। यह त्यौहार हर वर्ष सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर खुशी के साथ मनाते हैं। यह रंगों का त्यौहार इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर मुबारक देते हैं। अगर किसी के मन में कोई कड़वाहट होती है तो वह इस दिन सब कुछ भूल कर एक साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। होली के दिन लोग गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, वहीं मिठाई खिलाकर इस त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं। आज हम आपके सामने होली के अवसर पर होली मिलन का एक ऐसा ही रंगारंग कार्यक्रम लेकर आए जिसे आयोजित किया है निधि राठी और दीपाली मिश्रा ने। दर्शकों, आपने कई होली मिलन समारोह देखे होंगे, लेकिन इस होली मिलन की खास बात यह है कि ये होली मिलन कार्यक्रम सिर्फ महिलाएं और बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। दोस्तों, ये सब देख के दर्शकों, आपको तो ये सब देख के ढोल और इस जो रंगी बिरंगी गुलाल से रंगी हुई जो गाल दिख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि होली मिलन का यह कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, होली मिलन का यह कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे साथ निधि मैम है, उनसे जानेंगे, उन्होंने ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया है, क्या बताओगे मैम? यस, सो आप सभी का रंग दे मोहे हवाइन टीम होली पार्टी 2022 में मैं निधि राठी और मेरी पार्टनर दीपाली मिश्रा की ओर से हार्दिक स्वागत है। शी इज़ माई पार्टनर दीपाली मिश्रा और माई सेल्फ निधि राठी। हम दोनों ने ये हवाइन थीम होली पार्टी आज ऑर्गेनाइज किए। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ लेडीज़, बच्चों और गर्ल्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। यहाँ पर थीम रखी थी हवाइन, इसके अकॉर्डिंग सभी लोग प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर थीम वाइज रेडी होके आए हैं और उनके लिए यहाँ खूब सारे प्राइजेज हैं, खूब सारे गेम्स हैं, सरप्राइजेज हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं क्या माहौल बना हुआ है। यहाँ पे गेम्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत बच्चे भी बहुत प्यारे इसमें आए हैं, आउटफिट्स में आए हैं, लेडीज़ भी, तो इनके लिए कुछ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन इस तरह का कॉम्पिटिशन्स क्या? यहाँ पे खूब सारे गेम्स हैं, खूब ढोल है, डीजे है, सरप्राइजेज हैं, तो प्राइजेस की तो यहाँ बहार है आज। बिल्कुल मैम, आप क्या बताना चाहोगे? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि इट्स गोइंग वेरी नाइस और हम लोग चाह रहे थे कि होली के पहले लेडीज़ आकर के एंजॉय करें, लेडीज़ एंड किड्स, बिकॉज होली के दिन तो बिज़ी हो जाती हैं लेडीज़। सो हम लोग चाह रहे थे सब आके इकट्ठा होकर यहाँ पे एंजॉय करें। सो सब एंजॉय कर रहे हैं एंड वो हमारे लिए सबसे बड़ी हैप्पीनेस है कि एवरीवन इज़ एंजॉयिंग। पता है आपको कि नागपुर में ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होता जो कि गर्ल्स, लेडीज़ और किड्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाए? या तो फैमिली पार्टी होगी, कपल्स पार्टी होगी, बट ये कंसेप्ट हम लोगों ने नागपुर में लाया है कि नागपुर की गर्ल्स, लेडीज़ और किड्स के लिए कुछ प्रोग्राम किया जाए होली का। यस यस यस, उसे हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो है यहाँ पे और बच्चों के साथ जो है बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है यारो होली का त्यौहार। और इस होली का त्यौहार तो कुछ ही दिनों में आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही है नागपुर की जो नागपुर वासी जो है इस मतलब कार्यक्रम के जरिए मुझे लगता है कि होली के रंग में रंग चुके हैं। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।